आरक्षण को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच मराठा समाज द्वारा तीव्र असंतोष व्यक्त किया जा रहा है, जिसकी लहरें नागपुर तक पहुंच गई है, जिसके चलते महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दर्शकों, मराठा आरक्षण को लेकर राज्य की साथ ही साथ देश की स्थिति काफी नाजुक हो चुकी है। जरांगे पाटिल द्वारा पुकारे गए अनशन के बाद मराठा समाज बड़ी मात्रा में असंतोष व्यक्त कर रहा है। बड़ी मात्रा में विधायकों के घर, राजकीय नेताओं के घर, सियासी नेताओं के घर जलाए जा रहे हैं, जिसके चलते काफी मात्रा में असंतोष देखने को मिल रहा है। उसी के साथ आज नागपुर में भी इसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर की सुरक्षा बड़ी मात्रा में यहां बढ़ाई गई है, अतिरिक्त सुरक्षा यहां बढ़ाई गई है, ताकि किसी भी प्रकार का परिंदा भी पर ना मार पाए। इस प्रकार की स्थिति यहां देखने को मिल रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या किसी प्रकार का असंतोष यहां भारी ना पड़े। राजकीय नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ाई गई है। नागपुर की विजय वडेट्टीवार, विपक्ष मंत्री विजय वडेट्टीवार समेत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, साथ ही साथ नाना पटोले आदि सभी राजकीय नेता, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सभी पक्ष के नेताओं की सुरक्षा बड़ी मात्रा में बढ़ाई गई है। जरांगे पाटिल अनशन पर बैठे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं मराठा समाज आक्रामक हो रहा है। राज्य के सभी शहरों में, राज्य के सभी संभागों में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं, जिसके चलते ये स्थिति काफी नाजुक बन चुकी है। राज्य में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर भड़के वातावरण के चलते मराठा आंदोलनकारियों द्वारा विधायक और सियासी नेताओं के घर जलाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं तो सरकारी कार्यालय और प्रशासकीय बिल्डिंग को भी हानि पहुंचाई जा रही है, जिसके मद्देनजर महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के धर्मपेठ स्थित घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ नागपुर के सभी सियासी नेताओं के घर के आगे अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई है, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे और मराठा समाज का आंदोलन का खामियाजा शहर को ना भुगतना पड़े। इस बात का जायजा आज हमारे संवाददाता ने लिया, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर के आगे पुलिस बल तैनाती समेत बैरिकेड लगाए गए हैं। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, विपक्ष मंत्री विजय वडेट्टीवार, तो सभी विधायक और नेताओं के घर एवं कार्यालय समेत भाजपा मुख्यालय और संघ कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।